एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज ब्लॉग। सो गाइस, अभी हो चुकी है रात, काम से फ्री हो गए और घनघोर है, तो मेहंदी लगाना तो ज़रूरी बनता है। हर तीज त्यौहार पे मेहंदी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो अभी मैं लगा लेती हूँ मेहंदी। कोशिश तो कर रही हूँ, पता नहीं कैसी लगेगी। काफ़ी टाइम हो गया लगाए हुए, हमेशा वहाँ हैंडलूम पर जाके लगवा लेते हैं, इस बार तो टाइम नहीं मिला। घर पे तो ऐसी लगने वाली है। मैंने मेहंदी बना ली और ये जो रहते हैं टपोरे, ये भी लगा लिए, इस वाले हाथ पे लगा लिए। अब इस वाले में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि उल्टे हाथ से लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप आ जाओ, आप मेरे यहाँ मेहंदी डाल दो। तो ये ला लेंगे यहाँ पर मेहंदी और फिर ठीक तो मैं इसको कर लूँगी, क्योंकि अभी इस हाथ में मेहंदी लग गई तो इस हाथ पर डलेगी नहीं। हाँ, बस आप यहाँ डाल दो। इस हाथ में तो बस गोले ही बनाने हैं, क्योंकि बनेगा तो मुझसे है नहीं। अब मैंने भी लगवा दी मेहंदी पापा से। वैसे नहीं लगाते, मम्मा के जैसे डालो। हां हां, मम्मा के जैसे डालो। एक मिनट, आप मेरे इस पे एक गोला बना दो। बिल्कुल गोल। हां बिल्कुल। कोई भी चीज लगा देगा क्या? सब हाँ लगा देंगे। सबके ये दिक्कत है गोल। हाँ बस 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 बस, बस। ठीक है। ये पीछे भी मैंने बना लिया, मैंने पीछे भी बना लिया, ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बना पर फिर भी हाँ बना लिया, जैसे तैसे बना था। इनको भी बोला था पर इनसे भी ज़्यादा अच्छे से नहीं बन रहा था। ये वाली जो गोल गोल बिंदी थी ये तो इन्होंने ही लगाई थी। नहीं बढ़िया बन गई ना, फिर इतना कुछ इनसे नहीं होता। अच्छा, हमको सिखा रही है। पहले ऐसे ही बनाते थे सब। सब बना है और इसमें तो मैंने जगह बना लिया। वैसे मुझे को मेहंदी मेहंदी बनानी आती है नहीं, ये तो बस मैंने ऐसे ही बना लिया, क्योंकि अब कल भी सारे, आज भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए और कल भी इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कल तो गुड़े वगैरह भी बनाने हैं और कानू साहबी को नींद नहीं आ रही। इनको अगर मैं 12 बजे तक जगूंगी तो ये भी 12 बजे तक जगे रहते हैं, और अब दोनों उधर साइड में छुप के और मस्ती कर रहे हैं। बाहर निकलो दोनों। नहीं, 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 नहीं। ये कुछ करते हैं और फिर बोलते हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, अब हो गया काफी ज्यादा लेट, अब तो आ रही है नींद, तो सोते हैं, मिलते हैं। गाइस, अभी हो चुकी है सुबह, नहा धो के स्नान करके फ्री हो गए हम और अब कर लेते हैं पूजा, क्योंकि अभी चल रहे हैं नवरात्रा। तो आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो नववर्ष होता है, तो नववर्ष की आपको हम सब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। कॉफ़ी बना रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं, साबुदाना वगैरह कुछ नहीं भी खोया, तो कॉफ़ी बना लेते हैं। और आज घूने भी बनाने हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है घूने बनाने में। वैसे तो व्रत चल रहे हैं पर फिर भी बनाने, तो मैं पूजा के लिए भी बनाऊंगी और बच्चों को भी वो मैदा वाले अच्छे लगते हैं तो उनके लिए वो वाले भी बनाऊँगी। तो पहले पी लेते हैं कॉफ़ी। बना रही हूँ घूने, घनघोर है तो घूने तो बनने ही हैं। अभी बना रही हूँ मैं आटे वाले, फिर बनाऊँगी मैदा और बेसन दोनों को। कानू साहब सो रहे हैं तब तक, क्योंकि नीचे तो अगर कुछ भी बनाते हैं तो वो दोनों रहने नहीं देते। आटे के और मैदा के थोड़ा इजी बन जाते हैं, बेसन वालों में थोड़ी दिक्कत आती है। अब मैं इनको बोलूँगी तो ये मुझे बेसन का जो आटा है उसको थोड़ा सा सही करके देंगे। मैंने काफ़ी किया है तो अच्छे से हो नहीं पा रहा, इनको बोलते हैं तो ये करके देंगे बेसन का आटा हमें सही। जब तक आटे के गुने वो टाइट होता है इसका आटा। ये अगर एक चोट भी नीचे गिर गई ना इस पर तो ये आगे पत्थर फूट जाएगा। हमारा काम कुछ जोरों शोरों से चल रहा है, इन्होंने बिल्कुल सही कर दिया बेसन को, देखो कितना सॉफ्ट हो गया। तो घूने हमारे बनकर तैयार हो गए,
अब इनको ये एक दो घंटे हो गए, फिर मैं खाना वाना बनाने लग गई थी। अब खाना वाना बना लिया, व्रत खोल लिया, अब इनको फ्राई कर लेते हैं। अभी दोनों मिलकर कर रहे हैं तो जल्दी से काम से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अब बहुत सारा काम है इनको बनाने टाइम लगेगा, फिर सुबह की तैयारी भी करनी है। अभी क्या ज्वेलरी और ड्रेस वगैरह अभी निकाल के रख लेंगे ताकि सुबह पहनने का ही काम रहेगा, नहीं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज के ब्लॉग को करते हैं यही एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। Hello guys, please like, comment, share and subscribe.